दोस्तों, अगर आप लोग वरुण धवन सर के डाई हार्ड फैन हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म जुग जुग जीओ को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। और इस अपडेट को जानने के बाद आप सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म से अपडेट कुछ ऐसी निकल कर आई है जिसे जानने के बाद आप सभी लोग हैरान होने वाले हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें, जुग जुग जीओ फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर, यानी कि धर्मा प्रोडक्शन, मतलब कि जे फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के तहत बन रही है। सो इस फिल्म के लिए OTT से 100 करोड़ का ऑफर आया है। किसी भी प्लेटफॉर्म से आया होगा, मुझको ये पता नहीं है कि कौन सी OTT प्लेटफॉर्म से आया है, अमेजोन या फिर हॉटस्टार या फिर नेटफ्लिक्स, कोई से भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म से इस फिल्म के लिए 100 करोड़ का ऑफर आया है। 100 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आगे जो बात कहने वाला हूँ उस बात को सुनने के बाद आप सभी लोगों के होश उड़ने वाले हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, धर्मा प्रोडक्शन के मैनेजर अपूर्वा मेहता ने पिंक बिल्ला को बताया है कि हम इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज करेंगे। इस फिल्म को किसी भी कीमत पर OTT पर रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राज मेहता, जो कि गुड न्यूज जैसी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं। तो इस फिल्म के मेकर्स को इस फिल्म पर पूरा यकीन है कि ये फिल्म थिएटर में बहुत अच्छी चलेगी और थिएटर के सभी बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसी के चलते इस फिल्म के मेकर्स ने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया और इस फिल्म को सिर्फ भी बड़े पर्दे पर ही रिलीज करेंगे, यानी कि इस फिल्म को सिर्फ थिएटर में ही रिलीज करेंगे। भले ही इस फिल्म को रिलीज होने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन दोस्तों ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज होगी, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर के मैनेजर अपूर्वा मेहता ने साफ कर दिया कि वो इस फिल्म को सिर्फ थिएटर में ही रिलीज करेंगे। और दोस्तों, आप लोग अब कमेंट कर कर बताना कि आप लोग इस फिल्म को OTT पर देखना चाहते थे या फिर सिनेमा हॉल में। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को खास बात बताना चाहूँगा, मुझे सिर्फ यही डर था कि वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जीओ जो कि OTT पर रिलीज ना हो जाए, क्योंकि ऐसी फिल्मों को OTT पर बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने अब तो साफ कर दिया कि इस फिल्म सिर्फ और सिर्फ सिनेमा ही में रिलीज होगी। बाकी दोस्तों, आप लोग कमेंट कर कर बताना कि आप लोग इस फिल्म के लिए सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाओगे या फिर नहीं। आप लोग अपनी राय कमेंट कर कर जरूर बताना।